Hello guys, welcome to Study with Fascination. This is NSO Olympiad, Class 8, Chapter 4, Metal and Non-Metal. This is question first. Properties of substances W, X, Y and Z are listed below. W, X, Y और Z से related properties जो है वो आपको नीचे दी गई है. जो आपका W है ये एक liquid metal है. W, a liquid metal. तो यहाँ पे देख लेते हैं option से iron, gold, copper and mercury. तो आपका जो mercury है ये एक liquid metal है. Next देख लेते हैं X. X ए लिक्विड नॉन मेटल, यानी कि लिक्विड है और क्या है, नॉन मेटल है. तो ये होगा आपका ब्रोमीन. नेक्स्ट है Y, गैसियस नॉन मेटल, गैसियस और साथ में साथ नॉन मेटल, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. तो ये होगा आपका ऑक्सीजन. Z है आपका ए नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये एक नॉन मेटल है और क्या है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है. तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ग्रेफाइट. तो ये होगा आपका ग्रेफाइट. तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी. दिस इज क्वेश्चन सेकंड. मटीरियल एक्स एंड वाई इन द फिगर आर. यहाँ पे एक्स और वाई दिया गया है आपको. ये देखिए फर्स्ट फिगर में देखते हैं, ये आपका एक्स और ये आपका वाई है. ये बैटरी है और ये बल्ब है, ठीक है. अब ये फर्स्ट वाली फिगर में बल्ब आपका ग्लो कर रहा है, इसमें ग्लो नहीं कर रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो ये एक्स अटैच किया गया है इसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाती होगी, यानी कि ये एक गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का. तो ऑप्शन से करते हैं एक्स, एल्यूमिनियम फॉइल, पेंसिल लिड और कॉपर ब्लॉक. ये तीनों ही जो है वो अच्छे कंडक्टर है आपके इलेक्ट्रिसिटी के. आप देख लेते हैं वाई. वाई में देखिए बल्ब आपका ग्लो नहीं कर रहा है, तो ये बैड कंडक्टर हुआ इलेक्ट्रिसिटी का. तो पेंसिल लीड, कॉपर ब्लॉक, वुडन ब्लॉक और पेंसिल लीड. तो यहाँ पे वुडन ब्लॉक जो है वो होगा, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी. दिस क्वेश्चन थर्ड. एन अनोन मेटल एक्स, कोई भी आपका मेटल है एक्स, और जो ये मेटल एक्स है यही आपको बताना है मेटल एक्स क्या होगा. और मेटल एक्स आपको दिएगा क्या ये सोडियम है, पोटाशियम है, आयरन है या फिर कैल्शियम है. तो मेटल एक्स जो है जब हम उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं तो रेड ब्राउन पीस ऑफ कॉपर फॉल टू द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब. व्हेन मेटल एक्स इज प्लेस्ड इन एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड. तो आपको बताने कि मेटल एक्स क्या होगा. जब हम उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो क्या देता है हमें, ब्राउन, एक जो वो टुकड़ा है आपका वो ब्राउन कलर शो करता है. और जो आपका एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन है जब हम उसमें रखते हैं मेटल एक्स को तो वो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता. तो आपको बताना है मेटल एक्स क्या होगा. तो देखिए जो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वो होगा आयरन. आयरन जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव है वो कॉपर से, सो इट्स डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. बट आयरन जो है अगर हम उसको एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं, आयरन जो है लेस रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम से, सो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी वहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन में. सो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी. दिस इज क्वेश्चन फोर्थ. सब्सटेंसेस एक्स रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl वायोलेंटली, वाई रिएक्ट स्लोली व्हाइल जेड डज नॉट रिएक्ट एट ऑल. एक्स वाई जेड कुड बी रिस्पेक्टिवली. यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड बताने की क्या होगा. जो आपका एक्स है वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ, वाई जो है वो थोड़ा सा कम रिएक्ट करता है और जेड जो है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है. तो देखिए अगर हम इन ऑप्शंस की बात करते हैं ना, तो सोडियम और पोटाशियम जो हैं ये आपके हाईली रिएक्टिव मेटल हैं. तो सोडियम और पोटाशियम ये वायोलेंटली रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ. और जो आपका एल्यूमिनियम है ये आपका स्लोली रिएक्ट करेगा. और अगर हम बात करते हैं कॉपर की, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर ये रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ आपके. तो यहाँ पे तो देखिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी. अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में जो आयरन है वो आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा. लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि जो वाई है वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है, लेकिन ये आपका रिएक्ट नहीं करता, ठीक है. तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा. तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी. दिस इज क्वेश्चन फिफ्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर पॉसिबल. इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है आपकी पॉसिबल होगी. तो देखिए ये जो आपकी रिएक्शंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चार रिएक्शन दी गई हैं यहाँ पे. अब देखिए ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ओके. तो यहाँ पे ये देख लेते हैं आपका, फर्स्ट देखते हैं ये कॉपर और ये मैग्नीशियम. ये मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम और कॉपर में से आपका कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है. तो देखिए यहाँ पे ये कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है और मैग्नीशियम जो है वो आपका ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है. तो देखिए जब यहाँ पे आपका ज़्यादा रिएक्टिव हो और यहाँ पे कम रिएक्टिव हो तो ये क्या हो जाएंगी, ये यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएंगी और डिस्प्लेस होके ये सॉल्यूशन देंगी, यानी कि जो ये रिएक्शन है आपकी वो पॉसिबल है. सेकंड देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम देख लेते हैं. सो कैल्शियम, ये आपकी कैल्शियम है और ये आपकी मैग्नीशियम है. तो ये है आपका
ज़्यादा रिएक्टिव और ये है कम रिएक्टिव, तो ये डिस्प्लेस हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये भी आपकी पॉसिबल है। अब देखिए थर्ड, कॉपर और जिंक, ये आपकी कॉपर है और ये आपकी जिंक है, यानी कि ये आपकी ज़्यादा रिएक्टिव और ये कम रिएक्टिव है, तो ये वाली पॉसिबल नहीं है आपकी रिएक्शन। ऐसा ही आयरन और मैग्नीशियम में देख लेते हैं, ये आपका आयरन है और ये आपका मैग्नीशियम है, ये आपका आयरन है और ये मैग्नीशियम, ये कम रिएक्टिव है और ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये वाली भी आपकी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो जो पॉसिबल रिएक्शन होगी यहाँ पे वो होंगी आपकी फर्स्ट, ये डी, फर्स्ट एंड सेकंड। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन डी। दिस इज क्वेश्चन सिक्स, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है यहाँ पे कौन सा होगा। देखिए ए, ए ए नॉन मेटल, ए नॉन मेटल एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि एक नॉन मेटल जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बहुत इसेंशियल है वो है आपका ग्रेफाइट, सिलिकॉन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो ये है आपका ऑक्सीजन। नॉन मेटल द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन दैट इज हाइड्रोजन। ए नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज ग्रेफाइट। ए नॉन मेटल यूज इन सेमी कंडक्टर सिलिकॉन। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दिस इज क्वेश्चन सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो आपकी वो इनकरेक्ट होगी। तो देखिए गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल्स, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ऑल मेटल आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, सो ये वाली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, क्योंकि जो सभी मेटल्स होते हैं वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग नहीं होते आपके। अगर हम बात करें आपके सोडियम और पोटाशियम की, तो जो ये दोनों हैं आपके ये सॉफ्ट मेटल हैं और हम इसको ईजिली कट कर सकते हैं विद अ नाइफ। ऑप्शन सी देख लेते हैं, मर्क्यूरी एंड गैलियम आर मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, सो ये भी करेक्ट होगा। सो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। दिस इज क्वेश्चन एट, वट विल हैपन इफ यू कीप ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन एन आयरन कंटेनर फॉर ए फ्यू डेज, क्या होगा यदि आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को एक आयरन कंटेनर के अंदर काफ़ी कुछ दिनों के लिए रखें। वॉट इज़ द रीज़न फॉर योर ऑब्जर्वेशन, आपको जब ये एक्सपेरिमेंट करें तो आपको जो ऑब्जर्वेशन मिलेगी वो बतानी है क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन ए, द सर्फेस ऑफ आयरन कंटेनर विल डेवलप ए ग्रीन लेयर ड्यू टू कोरोजन कॉज्ड बाई कॉपर सल्फेट। ऑप्शन बी, कॉपर मेटल विल बी डिपॉजिट इन आयरन कंटेनर सिंस कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव दैन आयरन। तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है आयरन से। ऑप्शन सी, नथिंग विल हैपन सिंस नो रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, होल्स विल बी फॉर्म्ड इन द कंटेनर सिंस आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, क्योंकि आयरन जो होता है वो आपका ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। सो क्या होगा, कंटेनर जो आयरन कंटेनर होगा उसमें आपके होल्स बन जाएंगे और जो आयरन होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा कॉपर से फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। दिस इज क्वेश्चन नाइन, कनिका टेक ए बर्निंग सब्सटेंस एंड कलेक्ट द इवॉल्व्ड वेपर इन ए टेस्ट ट्यूब मेकिंग श्योर दैट दे डू नॉट एस्केप। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब टू द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, अ फ्यू ड्रॉप आर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन आर एडेड देन द लिटमस सॉल्यूशन टर्न रेड, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द बर्निंग सब्सटेंस। तो देखिए क्या किया, कनिका ने एक बर्निंग सब्सटेंस लिया और उसमें से क्या हुई, गैस इवॉल्व हुई। ओके, तो फिर क्या होता है उसके अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वेपर्स इवॉल्व किए उसने, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया उसमें टेस्ट ट्यूब में, और फिर क्या किया, जो वो सॉल्यूशन बनता है ना ब्लू लिट में सॉल्यूशन ऐड किया उसमें, तो उसने क्या किया वो जो सॉल्यूशन आपका वो रेड हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या दिखाता है, ये आपका दिखाता है एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए अब एसिडिक सॉल्यूशन आपका बन गया, तो एसिडिक सॉल्यूशन जो मेटल होते हैं आपके वो देते हैं हमें बेसिक सॉल्यूशन और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या देते हैं हमें एसिडिक सॉल्यूशन। अब देखिए मैग्नीशियम सोडियम आयरन ये सभी के सब, मैग्नीशियम सोडियम और आयरन ये सभी मेटल है, और जो आपका सल्फर है ये क्या है, ये आपका नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या देता है एसिडिक सॉल्यूशन देता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। दिस इज क्वेश्चन टेन, विदिशा प्लेस्ड ए कॉपर वायर इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एज शोन इन फिगर। विदिशा ने ये है, ये एक टेस्ट ट्यूब है और ये क्या है आपका सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है कलरलेस, और इसके अंदर एक कॉपर वायर डाल दी, फिर क्या होता है आपका वो है आपकी ब्राउन। ठीक है, अब देख लेते हैं, आपको बताना है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन करेक्ट होगी। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न ब्लू एंड प्रेसिपिटेट ऑफ सॉलिड सिल्वर वाज ऑब्टेन। ऑप्शन बी, कलर ऑफ सॉल्यूशन टर्न ग्रीन एंड कॉपर वायर टर्न ब्लू। देर वॉज नो चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन और कलर ऑफ द वायर।
color of the solution becomes silver and there was no change in the color of copper wire. तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए. तो देखिए कॉपर जो है आपकी वो ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, इसलिए क्या होगा सिल्वर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा आपका सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर और ब्लू कलर्ड कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन आपका फॉर्म होगा. तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो सॉल्यूशन होगा वो कलर ऑफ सॉल्यूशन टर्न ब्लू एंड प्रेसिपिटेट जो होंगे सॉलिड सिल्वर के वो ऑब्टेन होंगे. सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए.